वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करना जा रहे हैं स्नाइशर का ईयरफोन का, और ये रिप्लेसमेंट यूनिट है। मैंने स्नाइशर को भेजा था अपना पुराना यूनिट, जिसको स्नाइशर ने नया रूप में मुझे भेजा है। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चलिए इसको निकालते हैं। तो ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं, हम इसका अनबॉक्सिंग कर रहे हैं स्नाइशर का, और ये इस तरह से है दोस्तों, देख सकते हैं CX180 मॉडल है। और पीछे आप इसका देख सकते हैं इंपोर्टर जिसने मुझे भेजा है, और ये है ये ईयरफोन। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से पैकेजिंग है इसका, काफ़ी सुंदर पैकेजिंग है। और ये मैंने लिया था दोस्तों काफ़ी कम प्राइस पे, यानी मैंने इसको लिया था सिर्फ 400 रुपीज़ में अमेज़न से, और 200 रुपया कैशबैक लिया था। अभी ये लगभग आपको 600 से 800 रुपये के बीच में मिलेगा। तो ये है वो यूनिट दोस्तों, इसको मैं ऐसे करके दिखा देता हूँ आपको, और आप देख सकते हैं फ्लैट एकदम बहुत ज़बरदस्त लग रहा है देखने में दोस्तों। और ये आप देख सकते हैं थोड़ा चमक रहा है, बॉक्स पैकेजिंग बहुत ही बढ़िया है। साथ ही साथ अंदर में आप देख सकते हैं ईयरबड्स भी दिया हुआ है, और इसमें माइक नहीं है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें सारा चीज़ लिखा हुआ है। और इसमें 2 साल की वारंटी आती है, तो मेरा 1 साल कुछ महीना हो चुका था। फिर मैंने इनके कस्टमर केयर को ईमेल किया, तो ईमेल करने के बाद उनका ईमेल आया कि मेरे को जो प्रोडक्ट है वो गाज़ियाबाद का इनका कुछ एड्रेस था, उसको सेंड करना था, सॉरी गुड़गांव का एड्रेस था, उस पर ये अपना पुराना वाला एड्रेस के साथ और बिल के साथ सेंड करना था, और ये नया वाला दे देते। तो कुछ इस तरह का है दोस्तों, इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं पूरी तरह से। तो आप इसका अनबॉक्सिंग भी देख सकते हैं, और आप इसका रिप्लेसमेंट यूनिट भी पूरा देख के समझ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से स्नाइशर की सर्विस काफ़ी अच्छी है दोस्तों। ये टोटल मुझे रिप्लेस होकर के जो आया है सो 20-25 दिनों में आया है। मैंने स्पीड पोस्ट किया था इनके गुड़गांव वाले ऑफिस पे, जो उन्होंने मुझे ईमेल किया था उस पर स्पीड पोस्ट कर दिया था पुराना वाला, और ये लगभग 20-25 दिन में रिप्लेस होकर के मेरे घर पर आ गया नया। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, इसका साइड में आप जैसे करेंगे ना, यहाँ स्नाइशर का आपको बढ़िया सा आपका देखिए चमकता हुआ लोगो मिलेगा, जो ओरिजिनल का पहचान है, नहीं तो फर्जी भी बहुत मार्केट में मिलते रहते हैं। तो ये इसका ओरिजिनल का लोगो है यहाँ साइड में आप देख सकते हैं, और बाकी सारा चीज़ आप पढ़ सकते हैं ताकि ओरिजिनल और डुप्लीकेट में आपको पता चल जाए। बॉक्स की पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है दोस्तों, मॉडल नंबर आप देख सकते हैं स्नाइशर का, ये सबसे सस्ता आता है ईयरफोन, और ये बहुत ही शानदार है दोस्तों। मैंने इसका यूज़ किया है, इसका बहुत ही शानदार है, मैं इसको ओपन करता हूं। इसका एमआरपी वाइज देख सकते हैं, अगर आपको माइक का ज्यादा काम नहीं है तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूंगा कि आवाज क्वालिटी में इससे बेस्ट ईयरफोन नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एमआरपी वगैरह देख सकते हैं, और यहाँ साइड में देखिए 2 ईयर्स का वारंटी भी लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने इसको बाहर निकाल लिया है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं हमने इसको बाहर निकाल लिया है, और अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ये हमने ऊपर से कट करके इसको साइड से निकाला था, जैसा कि आप देख पा रहे हो हमने इसको बाहर निकाल लिया है। अब आपको मैं दिखाता हूँ बारी बारी से। तो ये आप देख सकते हैं इसका ईयरफोन का माउथ जो है, ये माउथ बहुत छोटा है, तो ये पूरी तरह से आपके ईयर में घुस जाएगा और आपको ऊपर से पता नहीं चलेगा। तो ये थोड़ा सा नीचे का लग गया है, तो ये इस तरह से है। और इसमें माइक नहीं है दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं ना, इसमें सिर्फ साइन बना हुआ है और किसी तरह का ये माइक नहीं है इसमें, तो आप बात नहीं कर सकते हैं किसी से। लेकिन सिंपली आपको साउंड क्वालिटी पसंद है, सिर्फ गाना सुनना है, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त ईयरफोन है। अच्छा, ईयरफोन का एक ही ड्रॉबैक है दोस्तों कि जब आप इसको खोल देंगे ना, तो इसका तार हमेशा आपको उलझा हुआ मिलेगा, एकदम तार हमेशा उलझा हुआ मिलेगा, आपको बार बार खोलने में थोड़ा परेशानी आएगा। उसके लिए ये देखिए फ्लिप दिया हुआ है, इससे मोड़ करके आप, तार लंबा है इसका तो आप उसको रख सकते हैं। ये तार काफ़ी लंबा है दोस्तों, देखने में आपको घुमा हुआ है तो कम लग रहा है, लेकिन ये तार लंबा है। तो कुछ इस तरह का दोस्तों आवाज़ क्वालिटी तो मैं नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि इसका फील तो कान में ही आता है, लेकिन आवाज़ क्वालिटी बहुत ही शानदार है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने 3.5 mm जैक जो है अपना रेडमी के मोबाइल में लगा दिया है, और इसका साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया दोस्तों, ये काम कर रहा है, मैंने चेक किया था, बहुत ही ज़बरदस्त है। बस मुझे एक ही चीज़ का ड्रॉबैक लगता है कि ये तार एक बार खुल गया नहीं है, तो इतना उलझा हुआ रहता है ना बार बार आपको, कि बार बार आपको खोलने में थोड़ा परेशानी हो सकता है, और कुछ दिक्कत नहीं है। और तो ये टॉप क्लास का है, अगर आप इसको ले पाते हैं तकरीबन 500 रुपये से लेकर 600-700 रुपये तक भी ले लीजिएगा ना, पछताइएगा नहीं। लेकिन अगर 700 से ऊपर का बजट है आपका, तो इसी का एक दूसरा मॉडल आता है 200 समथिंग, वो लीजिएगा आप, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, इससे पहले मेरा जो ये सेम हेडफोन था उसमें क्या खराबी हुआ था, 1 साल हो गया था, उसका बीच से ये जो तार होता है ना, ये तार ये अपने से फटने लगा था, बीच बीच से फट गया था। तो ये तार ही फट गया था, काम कर रहा था बट ये तार बीच से फट गया था, तो मुझे लगा कि जब तार ही हर जगह से कटने लग रहा है, फटने लग रहा है, तो मैंने उसको दे करके रिप्लेस करा लिया। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा दोस्तों, स्नाइडर को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने 1 साल बाद भी 2 साल के वारंटी को अपना प्रॉमिस को पूरा किया, और उनकी सर्विस क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, जो उन्होंने मुझे नया अपना एक पीस भेज दिया, और बहुत ही अच्छा दोस्तों। और आप भी इसको यूज़ करिए और बताइए आप भी अपना एक्सपीरियंस, और इसको हम लोग डाल देंगे चैनल को सब्सक्राइब करके। इस तरह के वीडियो के लिए हम लोग क्वालिटी वीडियो काफ़ी टाइम देकर के बनाते हैं, एक चीज डिटेल में हर क्वेश्चन का भी आंसर यहीं कर देते हैं।